हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है कहानी लेखन। कहानी लेखन, आपने अपनी मम्मी से, अपनी दादी से बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, परियों की, पक्षियों की, जानवरों की। तो आपने बहुत सारे पक्षी देखे भी होंगे, तो कुछ एक पक्षियों के नाम आप बता सकते हैं? जैसे मोर, चिड़िया, कौवा। तो आज हम उसी से आधारित एक कहानी पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्यासा कौवा। तो पहले हम इस कहानी को विस्तार से देखेंगे, पहले मैं आपको ये कहानी विस्तार से बताऊंगी। आज का हमारा टॉपिक है कहानी लेखन, जिसमें उसका कहानी का नाम है प्यासा कौवा। गर्मी का दिन था, एक कौवा बहुत प्यासा था। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिला। अचानक दूर एक जंगल में उसने एक घड़ा देखा। घड़े में पानी और जब उसने घड़े के पास जाकर देखा तो उसमें पानी बहुत कम था। तभी उसने एक उपाय सोचा। उसने घड़े के पास कुछ कंकड़ देखे और एक एक कंकड़ को उठाकर घड़े में डालना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में पानी ऊपर आ गया। कौवे ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई और कौवा उड़ गया। इस प्रकार ये कहानी आपने विस्तार पूर्वक देखी। अब हम इस कहानी को अपनी कॉपी पर लिखेंगे। आप इस बोर्ड पे देख रहे हैं कि मैंने एक कहानी दी हुई है, जिसमें मैंने कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं। हम इस कहानी में इन रिक्त स्थानों को भरेंगे और आप मेरे साथ इसको बोलते हुए इसको हम पूरा करेंगे। एक कौवा बहुत प्यासा था। वह जंगल में इधर उधर पानी ढूंढता रहा, किंतु कौवे को कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत ढूंढने के बाद उसे दूर घड़ा दिखाई दिया। कौवे ने पास जाकर देखा, घड़े में पानी बहुत नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंची। कौवे को एक उपाय सूझा। उसने पास पड़े को
घड़े में डालना शुरू किया। पानी घड़े में ऊपर तक आ गया। कौए ने पानी पिया और उड़ गया। तो ये आज की हमारी कहानी थी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, मेहनत का फल मीठा होता है। तो मैं आशा करती हूँ आपने ये कहानी को समझ लिया होगा।